नमस्कार दोस्तों, वेदी फाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अभिजीत कुमार आपके लिए लेकर आऊँगा डेली करंट अफेयर्स, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया का पहला सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है पंजाब में, और ये इनका उद्घाटन किया था हमारे पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। बेसिकली ये रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी है, यहाँ पे ज्योति ब्रांड के टीएमटी बार्स रेडी किए जाएंगे, जिसमें जिंक की कोटिंग की जाएगी, जिससे इनकी लाइफ बढ़ेगी। ये एशिया का पहला है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत सरकार ने किस धारा के तहत 59 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया है? तो ये ऐप, इसको बंद किया है सेक्शन 69A के तहत। और हमारा आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है पटना साहिब। एमएसएमई का नया वर्गीकरण और पंजीकरण उद्योग पंजीकरण किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है हमारे एमएसएमई मंत्री, और हम लोग को इसमें नए फिगर्स भी याद रखने हैं, जिसमें कि माइक्रो में अब माइक्रो इंस्टीट्यूट वो होंगे जो इसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक के होंगे और टर्नओवर 5 करोड़ तक। स्मॉल वो होंगे जो जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ तक होंगे और टर्नओवर उसमें 50 करोड़ तक होंगे, और मीडियम में वो होंगे वो इन्वेस्टमेंट जिसमें 10 करोड़ से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़। और हमारे एमएसएमई मंत्री है नितिन गडकरी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। यूएनएफपीए द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में भारत में लापता कितनी महिलाएं थीं? तो ये फिगर है इंडिया में, वर्ल्ड में सेकेंड, जो 45.8 मिलियन, और वर्ल्ड का फिगर है 142.6 मिलियन, और इसमें टॉप है चाइना में, चाइना जिसका फिगर है 72.3 मिलियन, और इंडिया, हमारी इंडिया सेकेंड नंबर पे है, और यूएनएफपीए का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ये भी आपको याद रखना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्मार्ट शहर मिशन और अमृत की कितनी वर्षगांठ 2020 में मनाई है? तो ये इनकी 5वीं वर्षगांठ थी, ये शुरू किया गया था 2015 में, और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य में सस्ती हाउसिंग तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं तमिलनाडु की सरकार में, और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक 250 मिलियन का लोन देगा हमें, जिससे लोगों को सस्ती घर मुहैया कराई जा सके। और ये रहा तमिलनाडु का मैप, और तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर है एडापड़ी के पलानी स्वामी, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है 38, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको बेसिकली स्टैटिक जीके के लिए याद रखना है, जो कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ जाते हैं जो लोग छोड़ देते हैं एग्जाम में, ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के अलग लेवल पे मार्क्स बढ़ाएंगे। स्विगी ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर, और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर प्रथम पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सी रंग राजन को, डॉक्टर सी रंग राजन को, और ये हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी थे,
और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि ये नेशनल इनकम का एस्टिमेशन दिए थे और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है ये, आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। भारत का अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है के वेणुगोपाल को, और अभी और तुषार मेहता को, ये भी आपको याद रखना है, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसलैंड के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जॉनसन को, गुडनी जॉनसन, और इन्होंने हराया है गुडमुंदर फ्रैंकलिन को। और आइसलैंड के कैपिटल है रेकजाविक और करेंसी है क्रोना। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों पर अपडेट रहने में मदद करने के लिए पहला कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये बेसिकली हेल्प करेंगे प्रतिबंधित दवाओं को इसमें हेल्प करेंगे और बताएंगे कि ये क्या खाना और क्या नहीं खाना। ये इस ऐप का नाम है नाडा इंडिया। और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू। किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और इसमें लोन दिया जाएगा 10,000 तक के रेडी वालों को। आईसीसी इलाइट पैनल में प्रवेश करने वाले तीसरे भारतीय और सबसे कम उम्र के अंपायर कौन बने? तो ये बने हैं नितिन मेनन। और ये आईसीसी के चेयरमैन है शशांक मनोहर। 2020 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जीता है लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर। और इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं आज के। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 30 जून को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ एस्ट्रॉयड डे ये जून 30 को एग्जाम में ये मनाया जाता है। और ये आपको डेज याद रखने, क्योंकि हर एग्जाम में एक न एक कोई ना कोई डे आता है। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले कुछ वीडियो में, मैं डे का भी हर मंथ मंथली डे भी डेज भी आपको रिवाइज कराता रहूँगा। विश्व का सबसे बड़ा दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है प्लेटिना महाराष्ट्र में। और ये बेसिकली है थेरेपी दिया जाएगा जिसमें जो लोग COVID-19 से ठीक हुए हैं उनके ब्लड को COVID-19 पॉजिटिव वाले के ब्लड में डाला जाएगा जिससे वो मरीज जल्दी ठीक हो सके। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने COVID-19 उपचार के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल। किस राज्य ने मेरा घर मेरा विद्यालय योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई की करवाई जाएगी। किस राज्य ने नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए एक वेब पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटका की सरकार ने। और कर्नाटका के सीएम है बीएस येदियुरप्पा। किस स्टेट ने किल कोरोना अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और
यहाँ पे डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, जिसमें कि लोगों को अच्छी उनके लोगों का बॉडी टेस्ट किया जा सके। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।